अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्रिल चिकन सैंडविच लेकर आई हूँ, जिसे आप ग्रिल कर सकते हैं या वैसे ही पैन में सेक सकते हैं, या बिना सेके भी आप इसे इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है, क्योंकि इसमें बॉयल्ड चिकन डलेगा और तरह तरह की वेजीज़। ठीक है, तो जो भी वेजीज़ आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें एक पीस ब्रेस्ट चिकन का, और डाला है थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट, नमक और काली मिर्च पाउडर। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें शान का टिक्का मसाला एक चम्मच। ये टोटली ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। आप लोग इसकी जगह थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें पानी एक कप, और इसके ढक्कन ढक के हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता, क्योंकि इसके बाद हमने इसे श्रेड करना है अच्छी तरीके से। मैंने यहाँ फोक का यूज़ किया है, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम अक्सर केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कई वीडियोस में देखा है लोग वो भी यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा सा श्रेड हो जाता है। अगर आप लोग के पास है तो आप बिल्कुल यूज़ कीजिए। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हम इसे श्रेड करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें वेजीज और चीज़ मायोनीज, जो कि आप आगे देखते रहेंगे वीडियो में। और ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिए बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर ऐड किए हैं मैंने, और अब हम डालेंगे इसमें स्लाइस चीज़। अब शामिल करेंगे हम इसमें होममेड मायोनीज, और ये मैंने घर में बनाई हुई है। और अब डालेंगे थोड़ा सा इसमें काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, और नमक आपने बिल्कुल थोड़ा ही यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कि चिकन बॉईल करते टाइम भी हमने नमक ऐड किया था। इसी तरह स्लाइस चीज़ में भी नमक होता है, और जो भी सॉसेस हमने यूज़ किए हैं उसमें भी नमक ऑलरेडी मौजूद होता है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आपने नमक यूज़ करना है। अब डाला है हमने रेड चिल्ली सॉस, हॉट सॉस हमने ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप रेड चिल्ली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें टोमेटो केचप, मैंने ज़्यादा नहीं डाला। अगर आपको पसंद है और बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी। तो इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है, और अब हम सैंडविच बनाने की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, और उसमें इवनली हम सारा जो भी हम लोगों ने तैयार किया है, जो भी फिलिंग हम लोगों ने तैयार की है, वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और ये फिलिंग को आप बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, या फिर ऐसा करें कि इस तरह से सैंडविच में असेंबल करके आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के आप फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी मन करे तो सेका, ग्रिल किया, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद है, उसके बाद आप इसे सर्व करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश ही लगेगा। बहुत ही अच्छा बना है, मैंने भी ऐसे किया था, तो आप लोग भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। इसकी फिलिंग इतनी क्रीमी है ना कि मुंह में जाते ही घुलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम इसे ग्रिल करेंगे तो ये जो चीज़ है ना, ये भी मेल्ट होगी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।